हेलो दोस्तों, मैं सी एस बिंद। मेरे यूट्यूब चैनल माँ विद्या ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हम अपने मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन को देख लेना है, आपको आपके मोबाइल में कहाँ है उसको ओपन कर लेना है। तो हम चलिए ओपन करते हैं। अगर आपके मोबाइल में जीमेल अपडेट है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, नहीं तो पुराना वर्जन उसका देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो आप में जो है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ देखिए ऊपर कॉर्नर पर, यहाँ अगर मेल आईडी पहले से है तो उसमें कुछ नाम रहेगा, जिस नाम से है वो नाम दिखेगा आपका। तो ये इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ नीचे देखेंगे ऐड अनदर अकाउंट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ गूगल चूज कर लेना है। गूगल लेने के बाद आपका कुछ समय लोडिंग लेगा, हमारे में पासवर्ड पहले से इसलिए स्क्रीन ब्लैक हो गया सिक्योरिटी रीजन के लिए। इस पर देखिए लिखा है ईमेल और फ़ोन। अगर आपका मेल आईडी पहले से बना है तो यहाँ आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नया बनाना है तो यहाँ नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको माई सेल पर जाना है। माई सेल पर जाने के बाद यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में पूछ रहा है, तो आपका जो नाम है उसको मतलब कि डाल दीजिए। फर्स्ट नेम आपका नाम डालना है, नीचे जो आपका सर नेम है मतलब जो उपजाति है उसको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देखिए नीचे है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए आप जो है। चूज करने के बाद यहाँ आपसे जेंडर पूछेगा, यहाँ मेल दे दीजिए, अगर औरत है तो फीमेल दे दीजिए। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ईमेल आईडी यूजर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ से आप अपना नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद कुछ इसमें न्यूमेरिकल की लगा दीजिए जिससे आपका मेल आईडी बन जाए। अगर यूनिक देंगे तो आपका एक बार में हो जाएगा, नहीं तो आपको दो चार बार ट्राई करना पड़ेगा। नीचे सजेशन देगा, वहाँ से ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर को भी मेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अपना मेल आईडी का यूजर नेम दे देना है, अपना नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। इस पर आगे आपको कुछ नंबर लगा देना, अपना मोबाइल नंबर भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी नंबर लगा दीजिए जो आपका फेवरेट हो, उसके बाद ये ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो यहाँ नीचे सजेशन आपको देगा, नहीं तो आप मोबाइल नंबर का भी यूज कर सकते हैं। यूज मोबाइल नंबर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका मेल आईडी हो जाएगा। तो यहाँ हम कुछ नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पासवर्ड आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर भी दीजिए, नाम दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। पासवर्ड देने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यस आई मीन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपका मेल आईडी आपके सामने दिखने लगेगा। तो यहाँ से आप अपना मेल आईडी नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद प्राइवेसी एंड टर्म आपको एग्री करना होगा, यहाँ नीचे जाइए, यहाँ एग्री कर दीजिए। थोड़ा वेट करिए, अभी लोडिंग ले रहा है, हो जाएगा जस्ट। यहाँ देखिए गूगल सर्विस का राउंडिंग चल रहा है। आपका मेल आईडी तैयार हो गया। यहाँ देखिए फिर से आपका पीछे आ गया ना, तो यहाँ फिर आप कॉर्नर पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखेंगे, सबसे नीचे जो है हमारे में तो बहुत सारा है, आप में ऊपर शायद रहे, तो उस पर देखेंगे आपका, देखिए नीचे मेल आईडी आपका दिखने लगेगा।